नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में दोनों ही बड़ी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, गुटों में विभाजित नजर आ रही है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां भाजपा में राजकुमारी कही जाने वाली दिया कुमारी के खिलाफ गो बैक के नारे लगते नजर आए हैं। लेकिन इसी दौरान एक बात ये भी रही कि भाजपा की महारानी यानी वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई भी नारे नहीं लगाए गए, बल्कि वसुंधरा राजे जिंदाबाद कहा गया और वहीं दिया कुमारी गो बैक कहा गया। इसके बाद से साफ तौर पर जो भाजपा की गुटबाजी है वो सामने आ गई है। अब इसके बाद भाजपा के किस तरह के कदम होते हैं ये देखने वाली बात है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भाजपा पार्टी में भले ही मजबूती और एकता के कितने ही दावे क्यों ना किए जाते हों, जिस तरह के घटनाक्रम तेजी से घटित हो रहे हैं उससे स्पष्ट है कि भाजपा दो धड़ों में बटी हुई है। साथ ही भाजपा की जो ये खाई है ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो नागौर जिले के मेडता सिटी का है। भाजपा सांसद दिया कुमारी यहाँ एक कार्यक्रम के सिलसिले में पहुंची थी। यहाँ उन्होंने जब अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों का अभिवादन करना चाहा तो लोगों ने भाजपा जिंदाबाद और वसुंधरा राजे जिंदाबाद के नारे तो लगाए, लेकिन साथ ही उन्होंने दिया कुमारी गो बैक के नारे भी पूरे जोर शोर से लगाए। लोगों के नारों की गूंज से ये स्पष्ट हो रहा है कि जिस तरह की राजनीति के जरिए इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पार्टी से साइडलाइन किया जा रहा है या कोशिश की जा रही है, और भाजपा का हर नेता प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बनने के सपने वाले बैठा है, उनके वो सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे ही नजर आते हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया है कि भाजपा का एक बड़ा धड़ा भले ही प्रदेश की राजनीति से वसुंधरा राजे को दूर करना चाहता हो, लेकिन राजे के कुछ विश्वसनीय नेता और उनका जनाधार आज भी उनके साथ है। राजे कल भी राजस्थान में भाजपा का पर्याय थी, आज भी है, और अगर भविष्य में जनता भाजपा को प्रदेश की कमान सौंपती है तो वो राजे को ही मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेगी, किसी अन्य नेता को नहीं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरह से दो गुटों में भाजपा नजर आ रही है उसका खामियाजा आने वाले चुनावों में भाजपा को भुगतना जरूर पड़ सकता है। और जिस तरह का आरोप भाजपा लगातार कांग्रेस पर लगाती रही थी, अब वही आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं।